जय हिंद दोस्त, मैं आपका दोस्त अवाजीत, अंतर्राष्ट्रीय प्लेयर दोस्त। बीपीएससी में आरटीआई का अब दौर चालू हो चुका है और आरटीआई ज़्यादातर लोग डाल रहे हैं जो कि भाषा अर्हता से संबंधित है। अभी एक आरटीआई संगीत में डाला गया और उसका जवाब भी मिला है। और आरटीआई भाषा अर्हता के संबंध में डाला गया था कि किस आधार पर भाषा अर्हता को शून्य किया गया, परंतु उसकी भी कोई भी अभी आरटीआई के जवाब नहीं देखने को मिला है। आखिर बीपीएससी द्वारा इन बातों को क्यों विशेषकर अलग अलग बातों पर रखा जा रहा है, ये भी समझ में नहीं आ रहा। बिहार लोक सेवा आयोग जो है उसको विशेषकर ध्यान देना चाहिए कि जो बीपीएससी है वो शिक्षा विभाग के माध्यम से जो भर्ती होनी है वो बीपीएससी टीआरई 1.0, 2.0 और 3.0 के संबंधित भर्ती हो रही है, लेकिन उससे संबंधित जब भर्ती हो रही है तो उसके बिना आदेश और निर्देश के किसी भी प्रकार के नियम और कानून में कोई भी बदलाव नहीं किया जा सकता। आप लोगों को पता है कि कई सारे आयोग अभ्यर्थी योग्य बनकर कई सारे हमारे सरकारी स्कूलों में जो कि शहर से जुड़े हुए हैं वहाँ पर शिक्षा दे रहे हैं और उचित शिक्षा भी प्रदान नहीं कर पा रहे। लगातार वीडियो भी उसके प्रति वायरल होता रहा है और ये साफ स्पष्ट किया गया है कि बीपीएससी द्वारा जो भर्ती की गई उसमें कहीं ना कहीं चूक बहुत बड़ी रही और उस चूक के कारण कई सारे अवैध शिक्षक प्रवेश कर गए। हमारे भाई ने क्वेश्चन किया कि सर, जो वैध टीचर हैं, जो अच्छे टीचर हैं, जिन्होंने अपने मेहनत के दम पे भर्ती हुआ है, उसके बारे में क्या अपना विचार रखना चाहते हैं? तो मैं आपको बता दूँ, देखिए, जो सही टीचर है उनके लिए मेरे दिल में सम्मान है, लेकिन एक टीचर की वजह से हजारों टीचर का कैरियर तो बर्बाद नहीं ना किया जा सकता है। मैं जानता हूँ अगर योग्य टीचर है और उसके अंदर योग्यता है तो लगातार टीचिंग का भी काम कर रहा है और ऊपर जाने का भी अपनी पढ़ाई कर रहा होगा कि आगे चल के वो प्रिंसिपल तक का भी पेपर दे और प्रिंसिपल बन सके। तो वैसे भाइयों से मैं कहना चाहता हूँ कि भाई, मैं आप लोग के मेहनत का बहुत अधिक सम्मान करता हूँ कि आप लोग ने अपने मेहनत से इस नौकरी को प्राप्त किया है, लेकिन आपके पास समय है, तैयारी कर अटेम्प्ट को पूरा किया था और एक नंबर दो नंबर से मेरिट लिस्ट से बाहर रह गए थे। यदि भाषा अर्हता वहाँ पर लागू हुआ होता तो आपको बताओ 40 अंक तक के सभी अभ्यर्थी भर्ती हो जाते, उसके बावजूद भी 1,10,000 के आसपास ही युवा सक्सेस हो पाते, ये जो सूचनाओं से हमें प्राप्त हुआ है। उसके बावजूद भी सीटें खाली रह जाती, लेकिन धोखा दे के केवल 95,000 सीटों पर फाइनल रिजल्ट जारी किया गया। बीच बीच में अपने बचाव को देखते हुए रिजल्टों को चेंजिंग किया गया, कुछ व्यक्तियों को नया तरीके से रिजल्ट जारी किया गया, मतलब संशोधन कर करके एक बचे हुए सीटों पर रिजल्ट दिया गया, लेकिन संशोधन ये नहीं किया गया कि जो उनके स्थान पे अवैध शिक्षक भर्ती हो गया है उसको बाहर निकाला जाए। इससे स्पष्ट होता है कि बीपीएससी और शिक्षा विभाग के आपसी तालमेल अच्छे नहीं है और बिहार लोक सेवा आयोग जो कि विश्व में एक नाम का मोहताज नहीं है, उसका अपना ही पर्चे बहुत ऊँचे लेवल तक है, उसकी छवि को धूमिल कर देना कितना बड़ा ये अपमानजनक बात है और इसके ऊपर ईडी और सीबीआई की जांच जरूर होनी चाहिए थी, जो कि देश के प्रधानमंत्री द्वारा आदेशित किया जाएगा। लेकिन क्या आज नीतीश चाचा देश के प्रधानमंत्री के साथ मिलकर सरकार बनाए? बिहार में क्या ईडी और सीबीआई की जांच होगी? जो भारत की सबसे बड़े घोटाले में शामिल शिक्षा विभाग का घोटाला, भाषा अर्हता का घोटाला, 12 लाख से अधिक रुपए लेके एक सीट को बेचने का घोटाला, हजारों अभ्यर्थियों को अभी तक बाहर का रास्ता दिखाने वाला एक फैसला ने ये दिखा दिया कि बिहार में जो भर्तियां हुई सब धांधली भरी भर्तियां थीं। और क्या इस भर्तियों को रद्द करने में कोई देश के प्रधानमंत्री अपना योगदान दे पाएंगे? ये आने वाला देखने का समय है। लेकिन उससे पहले आज ANM 10,709 पदों के लिए जो फैसला आया है भाषा अर्हता को लेके, वो बहुत बड़ा फैसला है जिससे आप लोग के जीवन में बीपीएससी टीआरई 2.0 की जो भाषा अर्हता का केस है उसको नई दिशा देगी और बहुत जल्दी जीत तय है। बस ये कंफर्म नहीं है कि भाषा अर्हता के माध्यम से
पुनः रिजल्ट जारी होंगे या ये भर्ती प्रक्रिया रद्द होगी। लेकिन इन दोनों में एक का आदेश उर्दू और बांग्ला वालों को भी एक आरटीआई 100% डालना चाहिए कि क्या उर्दू और बांग्ला का टीचर हिंदी का पेपर दिला के उसको घोषित किया जा सकता है, और क्या ऐसा कोई नियम या कोई प्रावधान है कि उर्दू और बांग्ला के स्थान पे हिंदी का पेपर लेके उसको उर्दू और बांग्ला का टीचर बनाया जा सके, और किस प्रावधान के अंतर्गत आता है। इसके तहत आरटीआई के जवाब में बीपीएससी और शिक्षा विभाग अपने आप में ही फंस जाएगा, और इसका जवाब न दे पाने के कारण बीपीएससी टीआरई 2.0 भर्ती रद्द हो जाएगी और ये जांच का दायरा बहुत आगे बढ़ जाएगा। मैंने कहा था आपसे कि आरटीआई एक ऐसा हथियार है जो कि सरकार को जवाब देना पड़ेगा, नहीं देने पे उस पर कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। अभी जितने लोगों ने आरटीआई दिया है थोड़ा लेट ही सही, लेकिन आरटीआई का अब जवाब आना शुरू हो गया है। तो मैं वही कहूँगा कि जो भाषा अर्हता को लेके केस किए हैं वो भी आरटीआई डालें, साथ में उर्दू बांग्ला वाले सबसे अधिक इम्पॉर्टेंट है, इन्हीं पे निर्भर है कि पेपर रद्द होगा कि नहीं। उर्दू और बांग्ला वालों को आरटीआई 100% डालना चाहिए ताकि इस भर्ती प्रक्रिया को रद्द कराने में आपकी अहम भूमिका अदा हो सके। जैसे कि आपको पता है कि 9वीं-10वीं का जो पेपर 8 तारीख को लिया गया था, उस पेपर में बीपीएससी टीआरई 2.0 की हम बात कर रहे हैं, उस पेपर को 2 घंटे विलंब किसके नियम किसके आदेश पे कराया गया था, इस पे भी आरटीआई पड़ सकती है, इसके लिए भी आप मांग कर सकते हैं। क्या कोई ऐसा प्रावधान है जिसके तहत पेपर को तत्काल नियम से 2 घंटा विलंब किया जा सके, ऐसा कोई नियम ऐसा कोई प्रावधान है? जबकि हमें जानकारी है ऐसा कोई नियम कोई प्रावधान नहीं है, पेपर को रद्द करके उसका नया डेट जारी करने का प्रावधान और नियम है। तो इसकी भी जांच बहुत तगड़े तरीके से आरटीआई के माध्यम से होगी। अभी आपको पता है कि मैंने कल के ही डेट में आपको बताया था कि भागलपुर से 114 अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया जाता है, जिसमें से केवल 55 के ऊपर ही कानूनी कार्रवाई किया जाता है और बाकी सबको आयोग ठहरा के बाहर कर दिया जाता है। आखिर जो 59 अभ्यर्थी थे उनके ऊपर उचित कार्रवाई क्यों नहीं हुई, इसकी भी जांच एक बहुत ज़रूरी है और अहम हो जाता है तब जब देश और राज्य की कानून व्यवस्था ऐसी हो जो कि अंगुली उठाने से पीछे हट रही हो, उन लोगों को बचाने का प्रयास कर रही हो। आखिर वो कौन है, किनको बचाने का प्रयास सरकार के द्वारा हो रहा है, इसके बारे में जानना जरूरी है। EWS का आरक्षण बहुत खतरनाक है और EWS का आरक्षण जिनको नहीं होना चाहिए वो EWS के आरक्षण के अंदर आ गए हैं। OBC ST के अंदर आप जाके देखिए, कई अदर कास्ट भी आ गई हैं जिनको कि बढ़ावा दिया है, बहुत सारे ऐसे अधिकारियों को चेंज भी किया है जो कि उनके अयोग्य जाके कार्य कर रहे थे, अब उनके योग्यता उनके अनुसार उनके आदेश के अनुसार जो कार्य करेगा उसको इस शिक्षा भर्ती प्रक्रिया के तहत लिया गया है, ताकि किसी भी युवा के साथ जो कि सही तरीके से भर्ती देख रहा है उसके साथ गलत ना हो सके। उसके अलावा जिन सेंटरों का निर्धारण किया जाएगा उन सेंटरों पर जो वहाँ के प्रिंसिपल मैनेजर जो होंगे वो भी इस बात को सुनिश्चित करेंगे कि CCTV कैमरे के फोटो चल रहे हैं, और उसकी जांच प्रखंड शिक्षा अधिकारी जाके अवश्य करेंगे ताकि ये सुनिश्चित कर पाए कि कहीं भी किसी भी प्रकार की धांधली नहीं हो रही है। जिस प्रकार चुनावों में मंत्री या सांसद अपने क्षेत्र का भ्रमण करते हैं, उसी प्रकार प्रखंड शिक्षा अधिकारी खंड शिक्षा अधिकारी जो होते हैं वो भी अपने स्कूलों में चारों तरफ भ्रमण करते रहेंगे कि किसी भी प्रकार की धांधली की आशंका में उस स्कूल के उस क्षेत्र को तुरंत अपने कब्जे में किया जा सके जिस क्षेत्र में धांधली की आशंका अधिक जताई जा रही हो, ताकि किसी भी प्रकार की शिक्षा माफियाओं की प्रवेश को रोका जा सके और उत्तर प्रदेश के अंदर सही भर्ती किया जा सके। आपको याद ही होगा कि अभी पूर्व में हुए पुलिस भर्ती प्रक्रिया में जब शिक्षा माफियाओं का प्रवेश पाया गया तो CM योगी सर द्वारा सीधा आदेश दिया गया कि इस भर्ती प्रक्रिया को कैंसिल किया जाए तथा बच्चों को सही तरीके से सुनिश्चित किया जाए कि वो अपने अपने घर पहुंच गए, और रास्ते में चाहे सरकारी बस हो चाहे
थाना हो ये निर्धारित करे कि बच्चों को किसी भी प्रकार की परेशानी नहीं आना चाहिए, किसी भी प्रकार का उनके साथ तंगी नहीं आना चाहिए, अपने घर सुनिश्चित तौर पे सुरक्षित पहुंचे। इस पे विशेष जोर देते हुए उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि 6 माह के भीतर इस पेपर को दोबारा लिया जाएगा, लेकिन उससे पहले जो अवैध व्यक्ति हैं, जो शिक्षा माफिया हैं, चाहे वो हमारे अधिकारियों के बीच ही क्यों न छुपे हों, सबके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और इसके अनुसार योगी सर लगातार कार्रवाई करते रहे और जो अधिकारी भी संदेह के दायरे में आए उनको भी सस्पेंड कर उनके ऊपर कार्रवाई किया गया। तो उत्तर प्रदेश को विकास की दिशा की ओर ले जाने वाले योगी सर अहम भूमिका अदा कर रहे हैं। और आपको पता है कि जब से उत्तर प्रदेश के योगी सर सीएम बने हैं तब से आपने देखा होगा कि उत्तर प्रदेश में शांति व्यवस्था स्थापित है, हर कोई खुश है, अपने अपने घरों में अच्छे तरीके से अपनी शिक्षा को ग्रहण कर रहा है। बस कमियां थी तो उनके ऊपर भी कुछ दबाव थे जिसके कारण भर्तियां नहीं आ पा रही थी, अब वो दबाव धीमे धीमे हटते दिख रहे हैं। और आपको बताएं कि योगी सर बहुत दिल के साफ व्यक्ति हैं और जिसके कारण उत्तर प्रदेश के अंदर फिर पुनः दोबारा भर्ती आने जा रही है और हमें विश्वास है कि उत्तर प्रदेश में साफ और स्वच्छ भर्ती होगी, हम जैसे टीचरों को रोजगार मिल सकेगा। जय हिंद, जय भारत।